दोस्तों आप सबको पता होगा कि वीडियो जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है सदाबहार वीडियो, एक होता है ट्रेंडिंग वीडियो। अब आप लोग को कौन सा वीडियो बनाना चाहिए अपने चैनल पर जिससे कि आपका चैनल जल्दी से ग्रो हो, क्योंकि दोनों वीडियो की अपनी अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग कैटेगरी होती है। तो आप लोग को कौन सा वीडियो बनाना चाहिए और कौन सा नहीं बनाना चाहिए, आप लोग पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आपको अपने YT स्टूडियो में लेके जाकर दिखाऊंगा कि आखिर में ये होता क्या है और किससे ज्यादा फायदा आपको होगा हमेशा लाइफ टाइम, तो ये चीज आप जब समझ जाओगे तो आपका चैनल जो है वो उस माध्यम से आप जल्दी से ग्रो कर पाओगे। मैं आपको सीधे अपने YT स्टूडियो में लेके चलता हूं और वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास दोनों वीडियो की अलग अलग क्वालिटी है और दोनों वीडियो का क्या महत्व है, यानी कि सदाबहार वीडियो का और ट्रेंडिंग वीडियो का। तो चलिए चलते हैं सीधे फोन की स्क्रीन पर। और हाँ, आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर जो है इस तरह का कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा। चलिए चलते हैं सीधे फोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम फोन की स्क्रीन पर आपको आ गए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए ये मेरा चैनल का डैशबोर्ड है। यहाँ पर सबसे पहले बात करें एनालिटिक्स पर, जो कि सबसे महत्व रखता है इस सदाबहार वीडियो और ट्रेंडिंग वीडियो में। यहाँ पर देखिए मेरे चैनल पर जो है, यहाँ पर ये देखिए 1156 व्यू जो है वो आपको डेली आ रहा है, यानी कि हर 48 घंटे में जो है इतना व्यू जो है मेरे चैनल पे आ रहा है। अब बात करते हैं आपको यहाँ पर मेरा कौन सा वीडियो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है और जिसपे हमेशा व्यू जाते हैं, ठीक है, ये दोनों वीडियो, एक कार्टून करेक्टर, एक कोडेक इनिशियलाइजेशन फेल्ड, उसके अलावा ये भी है, ये आपको ट्रेंडिंग वीडियो है, इसके अलावा ये हुआ, ठीक है। आपने ये चार वीडियो देख लिया कि चारों का अलग अलग कैटेगरी है। अब इसमें सदाबहार वीडियो कौन सा है आप सोचोगे, तो सदाबहार वीडियो ऐसे वीडियो को कहते हैं जो वीडियो हमेशा चलता रहे। कहने का मतलब मैं अगर आज वीडियो अपलोड करूंगा तो मेरा ये जो वीडियो है ये सिर्फ आज नहीं चलेगा बल्कि हमेशा चलता रहेगा। हो सकता है कि आज मेरे वीडियो में बहुत कम व्यूज आए या फिर व्यूज ना ही आए, हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन वो वीडियो फ्यूचर में आपको हमेशा व्यूज देके जाएगा। जैसे कि मेरा ये वीडियो कार्टून करेक्टर वाला हुआ, इसके अलावा मेरा ये कोडेक इनिशियलाइजेशन फेल्ड ये जो वीडियो है ये मेरा ट्रेंडिंग में नंबर 1 चल रहा है, ये वाला काइन मास्टर वाला वीडियो। और आज मैं फिर एक वीडियो इस पे अपलोड करने वाला हूँ इसी टॉपिक पे, उसको भी बोलेंगे सदाबहार वीडियो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ आते रहेगा और लोग हमेशा सर्च करते रहेंगे। मेरा जो वीडियो होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं क्लिक करूंगा, ये वीडियो हमेशा सर्च से ही जाएगा, इसमें ज्यादा व्यूज होगा वो सर्च से ही आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब सर्च से जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यूज आ रहा है, यानी लोग सर्च कर रहे हैं मेरा वीडियो जा रहा है, यानी कि ये हुआ सदाबहार वीडियो। इस पर क्या होगा, ऐसे इस तरह के वीडियोस पर जो है वो हमेशा जो है आप सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे और हमेशा इस पे पैसा आप कमाते रहोगे, आपका चैनल में चले ना चले आपको ये सब वीडियो चलता रहेगा, व्यूज आता रहेगा। अब बात करते हैं ट्रेंडिंग वीडियोस की, तो ऐसा कोई टॉपिक जो कि आजकल में हुआ, जैसे कि यूट्यूब अपडेट हुआ, अपडेट आज के लिए आया, मैंने आज के लिए वीडियो बना दिया, वो वीडियो मेरा आज चलेगा, कल चलेगा, 10 दिन तक चलेगा, फिर कोई नहीं देखेगा उसको, यही होता है ट्रेंडिंग वीडियो। तो आपको किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए, आपको दोनों तरह के वीडियो बनाना चाहिए। अब ऐसे फायदा क्या होगा, आपको चैनल पर, आपके चैनल पर जो है वो कुछ वीडियो सदाबहार होने चाहिए जो कि लोग हमेशा सर्च करें, जो कि लोगों की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, उस तरह के वीडियो से क्या होगा आपके चैनल पर हमेशा व्यूज आते रहेंगे और सब्सक्राइबर आपका बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे उसमें बढ़ते रहेगा सब्सक्राइबर। अब ट्रेंडिंग वीडियो क्यों डालना चाहिए, वो आपके कमाने के लिए। ट्रेंडिंग वीडियो से क्या होता है, आपको कोई वीडियो का ट्रेंडिंग में जाता है, ठीक है, आपको उसमें व्यूज अच्छा खासा आएगा, व्यूज आएगा तो आपको पैसा बनेगा जल्दी जल्दी में, उसके अलावा आपको कुछ सब्सक्राइबर भी मिल जाएगा उस वायरल वीडियो के थ्रू, तो ये फायदा होता है ट्रेंडिंग वीडियो का। लेकिन ये वीडियो आपका लॉन्ग टर्म में जो है आपको अर्निंग नहीं देगा, वो आज देगा आपको इस महीना आ जाएगा, अर्निंग नहीं देगा, वो वीडियो चलना बंद हो जाएगा। तो यही होता है सदाबहार वीडियो और ट्रेंडिंग वीडियो में अंतर। अब यहाँ पर हम इस वीडियो पे आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको 6600 व्यू यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा अगर वास्तव में बात करें, छोड़िए मैं आपको दिखाता हूँ सब्सक्राइबर की बात, यहाँ पर जो है ना तो सब्सक्राइबर भी जो है वो बढ़ते रहे, यहाँ देखिए 27 सब्सक्राइबर जो है वो मेरे इस वीडियो से आ चुके हैं, यानी कि लोग सब्सक्राइब करते हैं। बात करें अर्निंग की, $2.42 जो है यहाँ पर ये अर्निंग हो चुका है, यानी कि इस पे अर्निंग जो है ये मेरा हमेशा होता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबकी है, ठीक है। और इसके बाद में वीडियो इस पर एक और वीडियो में पोस्ट करने वाला हूँ, आप लोग उसको नहीं देखोगे, मुझे पता है, क्यों, क्योंकि वो आप लोग की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है और मेरे उस वीडियो पर भी जो है ना वो बाद में बहुत ज्यादा व्यूज आने वाला है, ठीक है। अब इसको मैं बात करूँ आपको, मैं इसका भी दिखाता हूँ एनालिटिक्स आपको खोल के, यहाँ देखिए 9000 व्यूज पे आ चुका है, मेरे चैनल का यही वीडियो सबसे ज्यादा टॉप में जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 73 सब्सक्राइबर मुझे आ चुके हैं इस वीडियो से, और अगर अर्निंग की बात करें तो $1.74 जो है ये अर्निंग हो चुका है। अब यहाँ पर ये देखिए ये फर्क है ना, उसमें 6K में आपको $2 ज्यादा हो चुका है, ये होता है आपको इसका जो टैग रैंकिंग टैग है उसके कारण हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको कम पैसे मिल रहे हैं, कम डॉलर मिल रहा है, उसमें ज्यादा मिल रहा है, मतलब इसमें CPC का फर्क है। तो अब आप लोग के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने चैनल पर जो है वो दोनों तरह की वीडियो पोस्ट करो। फायदा क्या होगा, जो सदाबहार वीडियो होगा वो आपका हमेशा चलता रहेगा, जैसे कि थंबनेल कैसे बनाए, लोग हमेशा सर्च करेंगे, जो नया नया आएगा थंबनेल बनाना सीखेगा, चैनल बनाना सीखेगा,
क्राइम मास्टर फंसेगा वो सिखाएगा, उसके अलावा जो है आपको चैनल का एसईओ करना सिखाएगा, ये सब हमेशा लोग लेगा, लोग हमेशा सर्च मारेगा उसको, तो वो आपका हमेशा चलेगा। लेकिन अब हाल में कोई अपडेट आया यूट्यूब का, तो वो क्या होगा, करंट अपडेट हुआ तो वो क्या होगा, लोग आज देखेगा कल से नहीं देखेगा। कुल मिला के बात यही है कि आपको दोनों तरह के वीडियो पर जो है वो अपना कमांड रखना चाहिए। दोनों तरह के वीडियो आप बनाओगे आपका चैनल जल्दी ग्रो करेगा, लेकिन सदाबहार वीडियो होता है जो आपको हमेशा चलेगा, उस वीडियो को आपको कभी नहीं छोड़ना है। सिर्फ आप ट्रेंडिंग लेके चलोगे वो आपको ज्यादा दिन तक लेके नहीं जाएगा, उसका लॉन्ग लाइफ नहीं है, ठीक है। लेकिन सदाबहार वीडियो का लाइफ जो है वो बहुत लॉन्ग तक जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब आप लोग वीडियो पर कमेंट करना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं जो हूँ सो अब आप लोग के चैनल का प्रमोशन स्टार्ट करूंगा, तीन तीन चैनल पर, ठीक है। मेरा तीनों चैनल पर आपका प्रमोशन स्टार्ट होगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।